जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं, जो भी हमारे भाई लोग यात्रा पे जाते हैं, वो किस तरह की ड्रेस कोड पहने जिससे कि उनको यात्रा करने में आसानी हो। तो बाबा जी की यात्रा में भाइयों के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये ना पहने वो ना पहने। जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कंडीशन थी कि साड़ी ना पहने, भाइयों के लिए कुछ ऐसा नहीं है, भाई लोग कुछ भी पहन सकते हैं। कहने का मतलब है कई लोग जीन्स पहन के भी कंफर्टेबल होते हैं, कई लोअर टी शर्ट में भी कंफर्टेबल होते हैं। तो जो भी आपकी सुविधा अनुसार आपको अच्छा लगे वो पहन लें। पर मेरे अनुभव के अनुसार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ट्रैक सूट जो होता है, अपर लोअर ट्रैक सूट, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। कहने का मतलब आपने अंदर टी शर्ट पहन ली, नीचे एक लोअर पहन लिया, आप यात्रा करते रहें, जो आपकी ट्रैक सूट की जैकेट होगी उसे आप कमर पर बांध लें, चलते चलते जब आपको ठंड लगे तो उसी जैकेट को आप दोबारा पहन सकते हैं। पूरी यात्रा में अगर आपके पास 3 या 2 ट्रैक सूट हैं तो बड़े आराम से आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ठंड से बचने के लिए आप एक इनर सेट रख सकते हो जो कि रात में आपको अगर सोते समय पहनना है शेषनाग वगैरह में जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बाकी यात्रा में और कहीं ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, फिर स्वेटर जैकेट के बदले आप टी शर्ट पहन के और ट्रैक सूट में बड़ी आराम से यात्रा हो जाती है। ठीक है मेरे भाइयों, तो बाबा जी के प्यारे प्यारे भक्तों, अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाबा जी की कृपा से मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवाल का सही जवाब दे पाऊँ। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी।